एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों मेरा नाम राज सक्सेना और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल राज सक्सेना ब्लॉग्स। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताने वाला हूँ जो आपको मोटिवेट करके रख देगी, आपके शरीर के हर अंग को हिला के रख देगी। दोस्तों आप अगर आप यूट्यूब पर काम करते हैं तो आपको उसके बारे में पता होगा, आदित्य ब्लॉग्स। वो सिर्फ एक 14 साल का लड़का है जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल है, लेकिन उसके कारनामे भाई बहुत बड़े हैं। अगर आप उसकी वीडियो देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितनी कड़ी मेहनत करता है। जिस लड़के के पास पैसे नहीं थे ट्राईपॉड लेने के लिए, लेकिन उसने एक बोतल पानी की बोतल से काट पीट करके अपने एक ट्राईपॉड बना लिया, इतनी जुगाड़ तुगाड़ करके। दोस्तों अगर जिसको बनना होता है ना, वो कुछ भी करके बन जाता है। उसके घर पर इतने पैसे नहीं थे कि उसको प्राइवेट स्कूल में पढ़वा सकें, लेकिन फिर भी वो एक आंगनवाड़ी स्कूल में पढ़ा। 4th तक की क्लास उसने आंगनवाड़ी में करी, उसके बाद वो एक सरकारी स्कूल में पढ़ा है, उसके बाद उसने 6th के बाद CBSE बोर्ड से उसने पढ़ाई करी है। लेकिन 3-4 साल करने के बाद उसके घर के हालात इतने सही नहीं थे कि वो आगे पढ़ाई कर पाए, लेकिन फिर भी उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी, पढ़ाई छोड़नी तक पड़ गई। लेकिन उसने अपना यूट्यूब जर्नी स्टार्ट कर दिया था, वो शॉर्ट्स वीडियो डालने लग गया। धीरे धीरे वो एक ब्लॉगर बन गया और इतने बेहतरीन ब्लॉग डालने लगा कि लोगों को उसके ब्लॉग पसंद आने लगे। यहाँ तक कि सौरभ जोशी सर ने उसे कमेंट किया, मनोज जी सर ने उसे कमेंट किया, उसका मोटिवेट और बढ़ गया, वो और मोटिवेट हो गया। इन सबके कमेंट से वो और मोटिवेट हो गया और वो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए और सोचने लग गया। वो ब्लॉगिंग करता गया, उसकी 16.5 साल की जर्नी और उसे एक सफल यूट्यूबर बना दिया। दोस्तों अगर जो लड़का स्कूल जाने के टाइम में पढ़ता था, उसके बाद घर आके मोटिवेशनल स्पीकर्स की स्टोरी देखा करता था, विवेक बिंद्रा सर की वीडियोस देखा करता था, संदीप महेश्वरी सर की वीडियो देखा करता था, मनोज सर की वीडियो देखा करता था और अपने आप को मोटिवेट किया करता था, इतना मोटिवेट करके जब भी वो सॉन्ग भी सुनता था ना, तो जिसमें जो आग लगाते थे ना सॉन्ग, वो सॉन्ग सुनता, सुरबीर जैसे लोगों के सॉन्ग सुनता था और अपने आप को इतना मोटिवेट कर करके आज वो यूट्यूब से हजारों लाखों पैसे कमा रहा है और एक सफल यूट्यूबर बन चुका है। उसने अपना मनोज सर को अपना गुरु माना है और अपना सिल्वर बटन उनके पास लेके गया खुलवाने के लिए। दोस्तों अगर आपने किसी को गुरु माना है तो उसकी इज्जत करो, इज्जत करोगे तभी आप ज़िंदगी में कामयाब बन जाओगे। हमेशा सफल होने के बाद अपने आप को ये मत बोलो कि तुम हो कौन थे, वो इस चीज़ को नहीं भूला। दोस्तों आदित्य ब्लॉग्स एक फेमस यूट्यूबर बन चुका है, जो अभी मनोज सर के पॉडकास्ट में भी आया था, लेकिन उसके चेहरे पे बिल्कुल भी नहीं लगा कि वो एक घमंडी इंसान बन गया है। लोगों के पास अगर थोड़ी भी सक्सेस आ जाती है तो उनके अंदर एक जुनून सा जाग जाता है, वो जमीन पे पैर रखते ही नहीं है, उनको समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना है। जिस उम्र में बच्चे फ्री फायर और पबजी जैसे गेम खेलते हैं, उस उम्र में वो आज मनोज सर, संदीप महेश्वरी सर, विवेक बिंद्रा सर की वीडियोज देखा करता था और आज यहाँ तक कि 10th की उसने पढ़ाई तक नहीं कर पाई, उसके हालात घर के इतने ठीक नहीं थे, उसे अपना स्कूल छोड़ना पड़ गया। लेकिन एक सफल यूट्यूबर बनने के बाद वो अभी भी पढ़ाई कर रहा है, अपने आप को खुद मोटिवेट कर रहा है। वो उसके घर में उसके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उसने फिर भी अपनी हिम्मत नहीं हारी, यहाँ तक कि उसके पिताजी की हालत अभी भी ठीक नहीं है। लेकिन हमें दोस्तों ऐसे लोगों से देख कर मोटिवेट करना चाहिए, अपने आप को मोटिवेट होना चाहिए हमें, कि जो लोग जिनके पास कुछ नहीं था आज उनके पास सब कुछ है। दोस्तों हमें ऐसे लोगों को देखना चाहिए, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते हैं। दोस्तों मनोज सर जिनकी सारी वीडियो देख लो, हमेशा वो कुछ ना कुछ मोटिवेट करते मिलेंगे। संदीप महेश्वरी सर की वीडियो देख लीजिए, हमेशा वो भी कुछ ना कुछ मोटिवेट करते मिलेंगे। विवेक बिंद्रा सर की वीडियो देख लीजिए, हमेशा वो भी कुछ ना कुछ मोटिवेट करते मिलते हैं। दोस्तों जब ये लोग हमें मोटिवेट करने के लिए बैठे हैं तो हमें इनकी वीडियो देखना चाहिए, ऐसे लोगों से हमें आदित्य जैसे लोगों से कुछ सीखना चाहिए कि हमें ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ना है, हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए, हमें एक जुनून होना चाहिए, एक पैसन होना चाहिए कि हमें ये करना है। अगर हमारे अंदर जुनून पैसन नहीं होगा तो हम क्या कर पाएंगे। दोस्तों हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमें आदित्य जैसे लोगों से देख सीखना चाहिए कि हमें ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी है। अगर आप इन लोगों को देखेंगे तभी आप कुछ बन पाएंगे। आप ये पबजी और ये फीफा जैसे गेम खेलते रहेंगे तो ज़िंदगी में क्या कर पाएंगे। दोस्तों हमें मोटिवेट होना चाहिए इन लोगों को देख के, हमें ज़िंदगी में कुछ करने का हमारा उद्देश्य होना चाहिए। दोस्तों मैं इन लोगों को सलाम करता हूँ, सल्यूट करता हूँ कि ये इतनी कम उम्र में इन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। दोस्तों हमें भी इन लोगों को देख के कुछ करना चाहिए और आज से हमारा यही लक्ष्य होना चाहिए, हमें ज़िंदगी में कुछ करना है। दोस्तों मैं आदित्य जैसे लड़के को सल्यूट करता हूँ जिसने इतनी कम उम्र में, मैच 14 साल की उम्र में उसने इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है, सिर्फ 14 साल की उम्र में। आज वो यूट्यूब से लाखों हज़ारों रुपये कमा रहा है। दोस्तों
हमें इन चीज़ों को देखना चाहिए और इन पर अमल करना चाहिए। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ ऐसे ही अगले मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।